हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये वाला बॉर्डर का पैटर्न लेकर आए हैं। इसे आप डिजाइनर फंदे भी कह सकते हैं या फिर बॉर्डर का डिजाइन भी कह सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बबलिंग वाला पैटर्न है ये, और ये कंगूरे कंगूरे जैसे भी लग रहे हैं, स्कैलप बॉर्डर जिसे बोलते हैं। तो ये जो बॉर्डर वाला पैटर्न है, ये आप बेबी कैप में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इतना स्ट्रेचेबल है, तो बेबी कैप में ये एक तो बहुत सुंदर लगेगा ये इस तरह से किनारी में, और एक ये स्ट्रेचेबल होता है। और बाकी आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, किसी में भी बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये है इसकी रोंग साइड, देखिए। तो ये जो ये वाला पैटर्न बनाने के लिए ओड नंबर में फंदे लेने होंगे, जितने भी फंदे आपको चाहिए बस उसमें ओड नंबर में फंदे लीजिएगा, तो ये इस तरह से बनेगा। और पहले ही सिलाई में ये बनता है तो आपको फंदे लूज डालने पड़ेंगे। मैं बताती हूँ किस तरह से। ये देखिए मैंने डबल सिलाई में ये फंदे डाले हैं, अब मैं एक सिलाई इसमें से निकाल लूंगी। और ये मैंने 17 स्टिचेज लिए हैं, ओड नंबर में 17 स्टिचेज हैं ये, इस तरह से। तो अब हम ये पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा बुनाई वाला धागा है, पहला फंदा हम या तो बुन लेंगे या इसे स्लिप कर लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो अगले वाला फंदा है, इस फंदे में से 5 फंदे बनाएंगे हम। पहले उल्टा बनाएंगे एक फंदा और लूज रखेंगे इन फंदों को इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे, इसी फंदे को बैक लूप से बुनेंगे और लूज रखेंगे ये सारे फंदे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीसरा फंदा बनाएंगे इस तरह से, इसे भी लूज रखेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे बैक लूप से। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर पांचवा फंदा बुनेंगे। तो ये 5 फंदे हो गए हमारे। अब इसे हम निकाल देंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे हम, ये 5 फंदे इस तरह से इस सिलाई पर लेंगे हम, इस तरह से लेंगे इस सिलाई पर। ये देखिए, हाँ, इससे पहले धागा पीछे कर लेंगे। और धागा पीछे करने के बाद ये 5 फंदे ऐसे ले लेंगे हम सिलाई पर, ऐसे। और ये इन फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ये देखिए एक फंदा बना लिया हमने। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये हमने एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब फिर से हम वैसे ही करेंगे, ये वाला फंदा जो है अगले वाला, इस पर 5 फंदे बनाएंगे एक पर। ये फंदा हम लॉन्ग रखेंगे, आपने देख लिया कि लॉन्ग हमने क्यों रखा था, कि ये फंदे इस तरह से हमें 5 का एक बनाना होता है, तो इसका बबलिंग इस तरह से बनता है। एक धागा पीछे करेंगे, बैक लूप से बुनेंगे, एक फंदा बनाएंगे, दो धागा आगे फिर से बनाएंगे वहीं से, तीन धागा पीछे फिर से बनाएंगे बैक लूप से, चार धागा आगे फिर ये ऐसे बनाएंगे, 5। अब ये निकाल देंगे और ये धागा पीछे कर लेंगे और इन पांचों फंदों को इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे, और ये इस तरह से 5 फंदों का एक बना लेंगे। फिर धागा की तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे। फिर से 5 फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये 5। धागा पीछे करेंगे और ये 5 फंदे इस तरह से सिलाई पर लेंगे और इन 5 फंदों का एक बना देंगे।
फिर से धागा आगे करेंगे। अब यही इसमें रिपीट होता रहेगा, एक फंदा उल्टा, फिर अगले फंदे के पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, इसे निकाल देंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से इन्हें इस तरह से सिलाई पर लेंगे और इनका एक बना देंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने डबल सिलाई में फंदे क्यों डाले, क्योंकि इसमें हमें लूज फंदे चाहिए होते हैं, तो मैं ये फंदे बना लेती हूँ। लास्ट वाला पैटर्न जब लास्ट वाला जब रह जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट रिपीट रह गया है, ये फंदा उल्टा बनाएंगे और इस फंदे पर हम पांच फंदे बनाएंगे, एक धागा पीछे बैक लूप से फिर से बनाएंगे, दो धागा आगे, तीन धागा पीछे, चार धागा आगे, पांच धागा पीछे कर लेंगे और पांच फंदों का एक बना लेंगे। ये जो हमने उल्टा फंदा बुना हुआ होता है, इसे आप इस तरह से अलग कर ले पहले, फिर ये पांच फंदे इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे और इनको बैक लूप से इस तरह से बुन देंगे, एक बना देंगे। अब धागा आगे करेंगे, ये वाला फंदा जो है, चाहे तो उल्टा बुन ले आप और चाहे इसे सीधा बुन ले, ये स्टिच है, ये देखिए। अब मैं ये वाली जो सिलाई है, ये रोंग साइड से, ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये पूरी सिलाई आप उल्टी बनाए, फिर आप चाहे जो पैटर्न बनाए आपकी इच्छा है। तो ये वाला मैं ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बना है हमारा ये डिजाइन फंदों का, देखिए कितना खूबसूरत है। इसे कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में और बेबी कैप में आप बनाएंगे तो ये एकदम से इतना सुंदर बनकर आएगा, इतना उभरा हुआ है कि पूछो ही मत, बहुत ही प्यारा है। आई होप कि आपको ये हमारा पैटर्न अच्छा लगा होगा फंदों का, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।